हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदी सबा के जहाँ में आप सबका स्वागत है। सुबह हो चुकी है और मौसम जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अभी चलते हैं नीचे और सबसे पहले प्यारे प्यारे अपने बकरे से मिलते हैं। इस वक्त 9:10 हो रहा है और यहाँ पे देखो कितना प्यारो सा हमारा बकरा है जो आराम से खड़े होके मौसम का मज़ा ले रहा है। अब मुझे इससे ज़्यादा डर नहीं लगता है, मैं इसे टच भी करती हूँ और वो पहचानने भी लगा है प्यारो। मैं अभी थोड़ी देर से ब्रेकफास्ट करूँगी, मैं पहले गर्म पानी पीती हूँ। सनी अपना यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं घर की बनी हुई आटे की सेवई, जो कि बहुत यम होती है। और फाइनली इतनी गर्मी के बाद बारिश का मौसम जो है वो बन चुका है। उसके बाद हम लोग गए बाजी के ससुराल। बाजी मतलब सनी की जो सिस्टर जो अभी सऊदी से आई हुई हैं, हम वहाँ पे गए थे बाजी को लेके। हमें कहीं जाना था, वहाँ पे हमें बहुत ही अच्छी सी चॉकलेट खाने को मिली थी तो मैं बड़ी खुश थी। और यहाँ पे मैं बाजी की सास जो है उनसे बात कर रही थी। वो बहुत प्यार से बात करती है और बड़े लोगों से बात करके वैसे भी बहुत अच्छा लगता है, इतना प्यार भी मिलता है। तो बस हमने यहाँ पर उनसे बातें की। उसके बाद हम लोग बाहर गए, कुछ बाहर के काम किए, बाजी को घर ड्रॉप कर दिया। उसके बाद अम्मा के साथ मैं निकल गई मार्केट के लिए, मार्केट में भी कुछ काम था। और यहाँ पे सनी और शादाब मिलके जो हमारा प्यारा सा बकरा है उसके लिए चारा ले रहे हैं। तो बाजी ने कुछ सूट सिलने के लिए डाले थे लेकिन उनके अस्तर के कपड़े नहीं थे तो हमने वो मैच करना था। और आजकल लाइनिंग मैच करने के लिए भी बड़ा मुश्किल होता है, ऐसे ऐसे नए नए रंग के कपड़े आने लगे हैं जिनकी मैचिंग ही नहीं मिलती। और गर्मी तो और भी ज़्यादा बढ़ गई थी बारिश के बाद, लेकिन चलिए हमारा काम हो चुका है। उसके बाद सनी ने मुझे ड्रॉप किया बेटी खाला के घर। बच्चे हैं, बाद में आएंगे लेने, आ जाना फिर ले आना बच्चों को, जब लेने आएंगे तो आ जाना। ठीक है ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल? बस मेहर सब ठीक है। मैं वॉशरूम में आपकी वेज थाली विदाउट सलाद के बाद विद सैलेड। हाँ विद सैलेड। नींबू, ये नींबू कौन से जमाने का ये बताओ के बाद बेटी हुआ से पूछ लिया। हमें लगता है जब इंडिया आजाद हुआ होगा तब का है ये। इसके लिए बहुत सारा शुक्रिया। फिर 2 घंटे बाद मैं घर आ गई और सनी ने मुझे सरप्राइज किया मेरी सबसे फेवरेट जामुन के साथ, जो कि उन्होंने कानपुर से मंगवाई थी इरफान से। थैंक यू। बस अभी 2:15 हम लोग जा रहे हैं सैरी करने के लिए। ज़िलहज का महीना चल रहा है तो फ्रेंड्स जिनको नहीं पता है, मतलब जो हमारे नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, कि जो बकरीद आती है इसके भी 10 डेज पहले रोज़े रखना चाहिए। रमज़ान जैसे रोज़े जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब वो तो रखने ही है, फ़र्ज़ है। लेकिन ये वाले जो रोज़े हैं, मतलब तो ये भी रखने हैं, ये भी आप चाहें तो रख सकते हैं, इनका बहुत सवाब है। तो बहुत से लोग 10 दिन रखते हैं, कुछ लास्ट का एक रखते हैं, कुछ 2 रखते हैं। तो इंशाल्लाह हम भी रमजान की यादारी सहरी की। उसके बाद सो गए। अभी हो गया नेक्स्ट डे, मतलब 27 जून, और मेरी सबसे छोटी वाली पुप्पी और आली अप्पी का बेटा मुझसे मिलने आए हुए थे। ये वाली पुप्पी भिलाई में रहती है लेकिन अभी मौदा आई हुई है तो मुझसे मिलने आई थी, तो बस मैं उनसे बातें कर रही थी। मैंने सहरी कर ली थी, अभी पुप्पी आई थी मिलने, आपने देखा होगा मेरी छोटी वाली, उन्हें पता हमें समोसे पसंद है वो लेके आई है, लेकिन मैं अभी खा नहीं सकती। इंशाल्लाह मैं सबको खिला दूंगी, सवाब मिलेगा, फिर मैं रात में खाऊंगी। शाम में मैं तुम्हारे लिए अफ्तार के लिए समोसा ले आऊंगा, ठीक है? हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो मैं यहाँ पे अभी बेटी खाला के यहाँ पे हूँ। सनी लोग गए थे आज अपनी नानी के यहाँ पे, मेरा रोज़ा था तो मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, तो मैंने कहा तुम यहीं पे चले जाओ क्योंकि बाजी को मिलना था, वो इतने इतने दिन में यहाँ पे आती है, तो नानी से भी मिलना था और लोगों को डॉक्टर के पास भी जाना था, तो वो सारे काम थे। तो मैं यहाँ पे आके थोड़ी देर बैठी, नमाज़ पढ़ के सो गई, फिर अभी उठी हूँ, खाला जो इफ्तार की तैयारी करी, फिर इंशाल्लाह मैं रोज़ा खोल के जाऊँगी। और आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, देखिए अब बस मौसम देखिए, इतनी हवा चल रही है ऊपर वाली छत में। चलते पहले दिखा दिया क्या बन रहा है। तो बेटी खाला बना रही है हलवा, इफ्तार की तैयारी हो रही है। हम भी कुछ करा ले? नहीं, हम सब कर लेंगे। ठीक है तो अभी मैं आ गई ऊपर वाली छत पे, तो मैं मेरी चेयर लेके आ रही है। ये ऊपर का नजारा तो और भी खूबसूरत है। थैंक यू। ये थोड़े मीठे ज्यादा कर दिए हैं, सनी को पसंद है ना मीठे। तो यहाँ पे दस्तरखान जो है पी वाली राइन तो ठीक थी, परफेक्ट थी, बहुत देर से डेकोरेट कर रही थी तो नहीं वाली, और ये वाली थोड़ी खराब हो गए। वैसे तो होंगी, वो ऐसा शेप ही है उनका। इफ्तार का जो टाइम है फ्रेंड्स वो 10-15 मिनट बाद होने वाला है। यहाँ पे आज ओपन में थोड़ा इफ्तार करने का मन कर रहा था, इतनी ज्यादा हवा नहीं चल रही, थोड़ी गर्मी है, लेकिन फिर भी खुले खुले में बैठने का मन था। तो यहाँ पे सब कुछ सेट करके फिर आपसे मिलते हैं।
और ये देखो सनी ने भी सरप्राइज दे दिया, आ गया गिरे जा, खुशी में गिरे जा। अरे भैया नहीं गिरा, वेलकम वेलकम का मतलब क्या है? स्वागत। अच्छा, आपका स्वागत है, खुश आमदीद। फ्रेंड्स देखिए हमारे यहाँ पे दस्तरखान जो है वो सज चुका है। बेटी खाले ने इतनी देर में पूरी तैयारी की है। बेटी खाले तो हमें लेकिन रोजा यहाँ खोलना है, पहले वादा कर लो। अब एक दिन वहाँ खोलूंगी। नहीं आधे दिन वहाँ, तुम आ जाना। नहीं कल तुम, नहीं रोजा यहाँ खोल। मैंने कहा एक दिन वहाँ एक दिन वहाँ। आज बेटी खाले देखो कितनी सारी तैयारी करके रखी है। एक दिन वहाँ एक दिन वहाँ यही खोलोगी। घर तो तुम्हारा भाई है लेकिन यही खोलोगे तुम बेटी खाला। अपने घर में खोले हम सो गए थे लोग, हमें बिना बताए चले गए मार्केट। हम नींद में थे पता नहीं, और वहाँ से सब कुछ तैयारी वारी करके आए। और महल ने देखो उसको डेकोरेट भी किए। कहाँ गई महल? अब आ गए, अच्छे से दिखा दिया। कल तो तमीज की तैयारी भी करना पड़ेगी ना सब। कहाँ चले गए जामुन, कहाँ मिल गई तुम्हें? वो गए थे ना मार्केट, बढ़िया सजा कर रख दिया। महल के दिन मुझे बात करना सीखना है। कैसे? वो गए थे ना मार्केट, तो फिर चार घंटे में एक ही बात बोल पाओगी मैं तो। तो फिर क्या खिला रही बकरी जी, बताओ? आप बताओ, तुम बताओ। हाँ मीठा कुछ बना दूंगी, मटन मुझे नहीं आता। रसगुल्ला बना दो। हाँ ठीक है, चलो रसगुल्ला। तुम लोग भी आ जाना सारे लोग सुबह से। आई कप में चाय? नहीं नहीं, चटनी कप में, चटनी दे दी बेटी। बुआ बेटी खाने कप में चटनी दे दी। कौन देता है चटनी कप में? एक चटनी एक सरसों का तेल। तेल क्यों? देखो तेल चटनी, देखो सरसों का तेल हो, मीठी वाली चटनी है ना ये, है ना। तो अभी सब कुछ छोड़ के दुआ कर लेते हैं। बहुत ही अच्छा वक्त चल रहा है, मतलब ये आपको हमने बताया था फ्रेंड्स, इसमें बहुत दुआएं कबूल होती हैं और गुनाह स्पेशली माफ़ होते हैं। तो हम सब गुनहगार अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं अपने लिए, पूरी उम्मत के लिए। आपसे मिलते थोड़ी देर बाद, ये इफ्तार करेंगे, उसके बाद जो भी आगे ईद का होगा वो भी कल दिखाएंगे। कल क्योंकि सबक बहुत सही की तैयारी करना है, ईद का नेक्स्ट व्लॉग होगा। फ्रेंड्स समझ में नहीं आ रहा डिनर में क्या क्या खाऊं, तो मेरे हलवा पापड़ से पेट भर गया पानी से, तो बाकी सारी चीजें बेटी खाला मुझे पैक करके दे देगी। और अभी देखो मैं क्या लेके जा रही हूँ, ये खाएगी टोस्ट घर में जाके, टोस्ट, क्योंकि चाय तो पी नहीं, सबसे ज्यादा चाय की तलब है और अब पेट में जगह नहीं है, फिर लेट भी हो रहा है, तो घर पे पी लेंगे। जामुन ले लो, जामुन चोर नहीं और गाड़ी में खा, गुटली नहीं रखना वहाँ पे, ठीक है? आपकी जेब में नहीं, जेब में नहीं, मैंने बता दिया गुटली है गाड़ी में। गुटली से इतना झूठता है, दिखाओ हिम्मत कहता है। और ये ऊपर ही आ गए, जल्दी चलो, आज बहुत कीड़े आने वाले हैं। चलो आज जल्दी हो, आज बाइक से जाएंगे। हाँ गिरना जाना नहीं, टोस की टक्कर में, यहीं पे तो एक हाथ में टोस एक हाथ में जामुन, कौन लेता है? चलो गुटली गुटली ही टूटे। चलो भाई सब लोग आ जाओ, इफ्तार की चीजें फिर बेटी घर ने टिफिन में भेज दी, यहाँ पे बच्चे खा लेंगे। खोल लेते हैं, कैसे खुलता है टिफिन? बेचारी ने सब कुछ भेज दिया। तो समोसा। हाँ भाई किस चल रहा है घूमने, जल्दी बताओ कौन कौन चलेगा घूमने, कौन कौन जाएगा, जल्दी बताओ कहाँ जाना है। वो कह रहे भिलाई है, भिलाई चले चले बच्चा पार्टी, चलो आ जाओ चलो। ये एक बड़ा बच्चा, बाकी चार छोटे बच्चे, चलो स्टेशन की तरफ। मैं तो बहुत दिन बाद जा रही हूँ, तुम लोग कल गए थे? हाँ। अरे वाह, चलो फिर हम लोग जाके घूम के आते हैं। ले भाई चाय आ गई, पियो अफ्तार के बाद पहली चाय। देखो एक तो कप छोटा, ऊपर से चाय भी कप, कोई बात नहीं, पी लो पी लो। तुम लोग कहाँ गए आइटम? तो फ्रेंड्स अभी हो गया सैरी टाइम, और चलते हैं और सैरी कर लेते हैं। और आज है हमारा यहाँ पे सेकंड रोज़ा, मतलब आज का जो रोज़ा है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे लोग आज का रोज़ा तो रख ही रहे होंगे, उम्मीद यही करते हैं और अल्लाह सबके रोज़े कबूल फरमाए। फिर कल ईद की तैयारी करेंगे, और परसों जो है वो है ईद। अभी सब कुछ पैक हो गया ना, तो मुझे उतना डर नहीं लगता, क्योंकि अब बाहर से कुछ कोई आ ही नहीं सकता। हर चीज़ ना आपके मन में होती है, डर तो लगता है फिर भी, लेकिन हिम्मत तो करनी चाहिए, इसलिए अकेले जा रही हूँ नीचे। इसमें क्या है? सबसे पहले चाय चढ़ा लेती हूँ, बर्तन बचे नहीं बस।
देने को। ये सही है, नीचे भी नहीं आना और ऊपर से। चाय के लिए पानी जो है वो ज़्यादा निकल गया था, तो मैंने सोचा पहले कप में डाल के नींबू डाल के पी लेती हूँ, हेल्थ के लिए अच्छा है। फिर यहाँ पे मैंने चाय चढ़ा दी थी, इस बीच में मैंने गर्म पानी ले लिया, गर्म पानी में डाला अच्छे से नींबू। नींबू पीने के बाद बहुत ज़्यादा पेट भर गया, तो फिर मैंने थोड़ा लेट चाय पी थी और सहरी की थी, उसके बाद ज़्यादा व्लॉग नहीं शूट किया। काफ़ी दिनों से घर का काम चल रहा था और रूम जो हमारा ड्राइंग रूम एक तरह से वो बन रहा था, आपको अब तक दिखाया नहीं था, प्रॉपर उसका डेकोर नहीं हो पाया, लेकिन काम जो इतने दिनों से चल रहा था, धूल मिट्टी वो सब हो चुका है, तो आप सबको दिखाना पड़ता है। तो मैंने सोचा इसी व्लॉग में सब आपको दिखा देती हूँ, ताकि ईद के व्लॉग में, आने वाले व्लॉग में जो प्रॉपर रेडी हो जाएगा तो फिर वो आपको दिखाऊंगी। तो नीचे का फ्लोर तो आपने देखा ही होगा, फिर प्रॉपर रूम टूर देंगे इंशाल्लाह बाद में, लेकिन अभी जो काम कर रहा है वो यहाँ से सबसे पहले आप देख सकते हैं सीढ़ियाँ, यहाँ के टाइल्स हमने लगवाए हैं पूरे नीचे तक। ये सीढ़ी वाले टाइल्स अलग आते हैं, वुडन वाला हमने चूज किया था, थोड़े से खुरदुरे होते हैं, सबको पता होगा, लेकिन फिर भी जो कराया वो बोलते हैं। ये जो ग्रिल है वो लगवाई है, फिर रूम आपको बाद में दिखाते हैं। फिर ये वाला जो आपने देखा होगा कि मुझे हमेशा से ओपन किचन चाहिए था, किचन इतना यूज नहीं होता, एक ही बात है, एक ही घर है, ऊपर बनाओ नीचे बनाओ, लेकिन फिर चाहिए था कि जब भी मैं कुछ बनाऊँ थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा हो, कि मैं गिराती ज़्यादा हूँ, गंदा भी ज़्यादा करती हूँ, और वजू आ गया नीचे। और अभी ये सब पुराने जो डोर्स निकले वो भी यहाँ रखे हुए हैं, उसे कुछ नहीं कर सकते, अब कल भेज देंगे कहीं के। तो ये जैसे आप सीरियलों में देखते, फिल्मों में देखते, खुला खुला ऐसा चाहिए था मुझे। ऐसा मुझे शुरू से मेरी ख्वाहिश है कि यहाँ पर कोई बना के मैं सनी को और सबको पराठे या कुछ बना के दूँ। यहाँ पे गर्म गर्म खाना बना के दो, यहाँ पे फैमिली बैठी हो और खाती खाओ। और यहाँ पे एग्जॉस्ट लगाना भूल गए, सोचे तो खुला रहेगा तो वो भी लग जाएगा, एग्जॉस्ट भी लग जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे एग्जॉस्ट लगा लेंगे। यहाँ पे नॉर्मल इतना हिलते भी मुझे पता ही नहीं था। तो अभी यहाँ पे अच्छा काम बचा है, मॉड्यूलर किचन बनवाना है, तो जैसे जैसे आते जाएंगे फिर इंशाल्लाह करवाते जाएंगे, तो ये ऊपर भी कवर्स आ जाएंगे और नीचे भी ये पैक हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए इतना बहुत है। और यहाँ पे एक बैल्कनी भी बन गई है, यहाँ भी सामान रखा हुआ है, कोई बात नहीं, सामान धीमे धीमे रिस हो जाएगा ना। तो ये है, यहाँ से बहुत अच्छा है क्योंकि मज़ार भी दिखते हैं, ये भी मज़ार दिखते हैं, और यहाँ पे दिखाइए और मंदिर। अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पे। यहाँ पे स्पेस फ्रेंड बहुत सारी है, एक रूम भी बन सकता था, कुछ भी बन सकता था, लेकिन खुला चाहिए, ज्यादा चाहिए, और मतलब हमें बहुत बार दावतें होती हैं, सब कुछ होता है ना, तो फिर ज्यादा स्पेस चाहिए होती है सबको बैठाने के लिए, बस हाँ कुरान खानी भी करानी है। और ऊपर इसमें हमने फॉल सीलिंग नहीं बनवाई है, जरूरत नहीं थी, है ना, तो नॉर्मल लाइट्स लगवाई है, कंसील लाइट बोलते हैं शायद इनको, और फैन लगवा लिए है यहाँ पे एसी नहीं चाहिए। तो ये नीचे का यहाँ से दिखता है, और यहाँ से ऊपर जाने की सीढ़ी है, यहाँ पे फिर उन्होंने देखो एक डिजाइन बना दी है। अभी कुछ कुछ चीजें हैं तो होना बाकी है, जैसे कि इसमें पॉलिश होना है, घर की बात है ना, जितना हमने देखा उतना आप भी देख लो। तो ये डोर लेकिन चेंज हो गया, जो हमने माइक आपको दिखाया था ना, ये तो अभी चलते आ जाइए। तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि रूम एकदम खाली, कुछ रेडी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी रेडी हो गया है इतना कि इसे यूज किया जा सकता है। टाइम की कमी की वजह से जो फर्नीचर जो है बहुत अच्छे से नहीं ले पाए हैं, तो ये वॉल जो हमेशा मैं कहती हूँ मुझे इस तरह की डिजाइन चाहिए थी, तो मुझे उम्मीद नहीं हो सकती है, लेकिन यहाँ पे भी एक से बढ़कर एक जो मिस्त्री बोलते हैं ना, क्या लेबर वर्कर कारीगर, हाँ जो भी कारीगर जो है वो है, तो उन्होंने ये वॉल हमें बना के दे दी है। और ये कलर भी आप में से काफी सारे लोगों ने चूज किया है कि ब्राउन या बेज कर दो, तो ये कलर जो हमने यहाँ पे ये वाला कराया है, बहुत सटल सा, बहुत सिंपल सा, इसमें आप कोई भी फर्नीचर रख दो, कुछ भी कलर कर दो तो अच्छा रहेगा। ये दो लैंप हमें चाहिए साथ में, हमें कानपुर से मिल गए थे, ये एक हमें दिया था 1250 रुपीस का, ये लाइट हमें हैंडमेड गिफ्टिंग ने भेजी है, हमारे घरों के नाम है यहाँ पे, इसके बिना थोड़ा बुरा ही है क्योंकि मुझे लाइट वैसे ही पसंद है, हम दोनों का नाम भी यहाँ होना चाहिए। बाकी हमें इसमें यहाँ पे मिरर भी चाहिए था, हमने देखा पेपर फ्राई यहाँ पे भेज दिया, लेकिन वो यहाँ डिलीवर नहीं करता है, तो कभी इंशाल्लाह कानपुर लखनऊ जाएंगे, अगर कोई भेजता होगा तो फिर आगे कुछ करेंगे। फिर कुछ कुछ फर्नीचर हम इंशाल्लाह यहाँ पे लेंगे, वो आपको इंशाल्लाह ईद के ब्लॉग में दिखेगा। ये जो सीलिंग का डिजाइन है ऐसा वाला बनवाया था, और ये फैन भी थोड़ा डिफरेंट है। हाँ जी बोलिए। रूम में जो भी कुछ है वो सबको समझ में आ रहा है, मुझे इस बारे में कभी बताया था,
और एक चीज की ऐसे नहीं करवाना, ऐसे बस मैंने खाली इसको लाके चीजें दी है, बाकी जो भी डिजाइन है, लाइट कहाँ लगवाना है, फैन कहाँ लगवाना है, ड्रेन कैसे करवाना है, ये सब कुछ सवाल है मेरा, कुछ नहीं, क्योंकि मुझे मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट है नहीं है, जब चाहे वो किचन से लेके नीचे ऊपर जो भी हुआ है सब कुछ सवाल के हिसाब से हुआ है, उसने सब कुछ किया है। बस ये इसका हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो कनेक्शन रहना ही था, मुझे बहुत खटक सा रहा है ये। तो ये है हमारा फ्रेंड ड्रॉइंग रूम, बाकी डेकोरेशन हम वक्त के साथ करते जाएंगे, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लग रहा होगा, और जो भी थोड़ा बहुत जो भी हमारा कुछ होगा वो आपको अगली बार में देखने को मिलेगा, उसको समझ लीजिए। हां, ईद के लिए थोड़ा सा हमने सामान लिया है ताकि बैठने के लायक हो जाए। हां, जल्दबाजी में। हां, तो आपको दिखाएंगे और अभी इसी के साथ वीडियो भी एंड करते हैं। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें, जो भी आप कर सकते हैं मोहब्बत दे सकते हैं। हां, और इंशाल्लाह अब आपको मिलेगा नेक्स्ट ब्लॉग, जो है ईद की तैयारी का ब्लॉग, आज मैंने भी लगवाई, बहुत सारे काम है, तो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में और सबर की पहली ससुराल में। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिए, हैप्पी टू ऑल।